नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेलापिक एवर न्यू क्रीम का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मेलापिक एवर न्यू क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और मेलापिक एवर न्यू क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। मेलापिक एवर न्यू क्रीम का उपयोग चेहरे पर दाग, धब्बों, निशान व झाइयों को हटाने के लिए किया जाता है। आँखों के नीचे काले घेरे होने पर यानी डार्क सर्कल्स होने पर भी मेलापिक एवर न्यू क्रीम का उपयोग किया जाता है। मेलापिक एवर न्यू क्रीम त्वचा पर दाग, धब्बों और डार्क स्पॉट्स को हटाकर त्वचा के रंग को साफ व गोरा करती है। इसके अलावा डर्मेटाइटिस और मेलाज्मा की समस्या होने पर भी मेलापिक एवर न्यू क्रीम का उपयोग किया जाता है। मेलाज्मा होने पर त्वचा पर काले रंग के पैच हो जाते हैं, जो शरीर में हार्मोनल बदलाव या सूरज की धूप की वजह से भी हो सकते हैं। मेलाज्मा की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है, लेकिन मेलाज्मा की समस्या पुरुषों में भी हो सकती है। मेलापिक एवर न्यू क्रीम का उपयोग महिलाएं व पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेलापिक एवर न्यू क्रीम को कैसे लगाना रेकमेंडेड होता है। मेलापिक एवर न्यू क्रीम को दिन में एक बार और रात को सोने से पहले लगाना रेकमेंडेड होता है। मेलापिक एवर न्यू क्रीम को रात को सोने से कम 30 मिनट पहले लगाना चाहिए। मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाने से पहले आपको अपने हाथों व चेहरे को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। आप अपने चेहरे को फेस वॉश या साबुन की मदद से भी धो सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने हाथों और चेहरे को एक साफ कपड़े की मदद से साफ कर लेना चाहिए, और चेहरे को कम से कम 10 मिनट अच्छी तरह सुखाने के बाद मेलापिक एवर न्यू क्रीम की एक पतली लेयर चेहरे के प्रभावित एरिया पर लगानी चाहिए। मेलापिक एवर न्यू क्रीम को एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगाना चाहिए और मेलापिक एवर न्यू क्रीम को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। मेलापिक एवर न्यू क्रीम को आँख, मुंह और नाक के किनारों के पास लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए मेलापिक एवर न्यू क्रीम को आँख, मुंह और नाक के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं होता है। जब तक आप मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगा रहे हैं, तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि मेलापिक एवर न्यू क्रीम की वजह से त्वचा धूप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और जिसकी वजह से सनबर्न होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए, या आप धूप से बचाव करने के लिए अम्ब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेलापिक एवर न्यू क्रीम को केवल रात के समय ही लगाना रेकमेंडेड है, इसलिए आपको मेलापिक एवर न्यू क्रीम को दिन के समय में नहीं लगाना चाहिए। लगातार 8 सप्ताह से अधिक मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए 8 सप्ताह से अधिक मेलापिक एवर न्यू क्रीम को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए। त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर या त्वचा पर कोई घाव होने पर मेलापिक एवर न्यू क्रीम को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। बार बार या लंबे समय तक आपको मेलापिक एवर न्यू क्रीम को आँखों के नीचे या आँखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मेलापिक एवर न्यू क्रीम के अंदर स्टेरॉइड्स होता है, और मेलापिक एवर न्यू क्रीम को बार बार या लंबे समय तक आँखों के नीचे लगाने से आँखों में कैटरेक्ट या ग्लूकोमा हो सकता है। आँखों में कैटरेक्ट या ग्लूकोमा होने पर आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। अगर आपको मेलापिक एवर न्यू क्रीम या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको मेलापिक एवर न्यू क्रीम को नहीं लगाना चाहिए, और इसके बारे में
आपको डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेलापिक एवर न्यू क्रीम की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। मेलापिक एवर न्यू क्रीम की वजह से त्वचा में जलन, खुजली या लालपन हो सकता है। अगर आपको मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में लालपन, जलन या खुजली ज्यादा होती है या लंबे समय तक बनी रहती है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मेलापिक एवर न्यू क्रीम का उपयोग लंबे समय तक यानी कई महीनों तक करने से त्वचा पतली हो सकती है और त्वचा का कलर डार्क भी हो सकता है, इसलिए बार बार बिना डॉक्टर की सलाह के मेलापिक एवर न्यू क्रीम को नहीं लगाना चाहिए और मेलापिक एवर न्यू क्रीम को केवल उतने समय तक ही लगाना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाने की सलाह दी है। कुछ लोगों में मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाने के बाद त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है और मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाने के बाद त्वचा में अस्थायी तौर पर सूखापन हो सकता है। अगर आपको त्वचा में सूखापन ज्यादा होता है तो आपको सुबह उठने के बाद अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद आप वैसलीन या कोई अन्य मॉइस्चराइजर क्रीम लगा सकते हैं ताकि आपकी त्वचा में सूखापन, खुजली और जलन ज्यादा न हो। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगा सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मेलापिक एवर न्यू क्रीम का उपयोग करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेलापिक एवर न्यू क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेलापिक एवर न्यू क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मेलापिक एवर न्यू क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।